अंकित राठौड़ नामक बच्चा जो है एक सुतली बम को आग लगा रहा था। जाहिद नामक एक और बच्चा ने उसके ऊपर एक ग्लास लगाया, उसी समय पे वहाँ नजदीक जो आर्यन थे वो गिर गया। जाहिद ने गिलास रखा, हमने आग ही जलाई, मतलब पड़ाका जूता गिलास गायब हो गया। तो मुझे जब फोन आ गया तब हमने डर गए, बहुत ज्यादा डर गए। स्टील के गिलास में किसी का गला कटता है, बताइए। जो गुनेगार है, जिसने मेरे बच्चे का कत्ल किया है, उसका नाम डालो आप। दिवाली के एक दिन बाद 2 नवंबर की दोपहर थी। 10 साल का आर्यन चक्रवर्ती अपने घर से निकला। कुछ देर बाद उसके घर पर घबराहट भरी एक खबर आती है, आर्यन के गले से खून बह रहा है, आप लोग जल्दी चलिए। परिवार वाले वहां पहुंचते हैं तो मामला मामूली चोट से कहीं गंभीर नजर आता है। आनन फानन में आर्यन को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी मौत की खबर आती है। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि सोचने समझने का वक्त न था। परिवार वालों को तनाव था। दावा किया गया कि आर्यन का गला रेता गया है। सोशल मीडिया पर बहुत सी पोस्ट्स भी की गई, जिनमें आरोप लगाया गया कि मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने आर्यन की हत्या की है। देखते ही देखते बवाल होने लगा। एक बड़ी भीड़ इलाके में प्रदर्शन करने पहुंच गई, मगर जब पुलिस ने प्राथमिक जांच की तो मामला कुछ और ही निकला। घटना में क्या क्या हुआ था, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में क्या जानकारी दी, और क्या परिवार वाले इससे संतुष्ट हैं, मामले की सारी जानकारी आपको बताते हैं। बात कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र की है। यही आता है गांव सिठमरा, जहां का ये पूरा मामला है। मृतक आर्यन भी यहीं का रहने वाला है। दोपहर में आर्यन अपने घर से निकला। परिजन कहते हैं कि वो बाजार के लिए निकला था, मगर जब वो जानलेवा रूप से जख्मी हुआ तब उस जगह पटाखे जलाए जा रहे थे। अनिल चक्रवर्ती का 10 साल का बेटा आर्यन इसी जगह पर कथित रूप से मौजूद था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अंकित और जाहिद नाम के 2 लड़के वहां पटाखे जला रहे थे। तभी एक पटाखे के फटने के बाद आर्यन गिर पड़ा। पहले तो आसपास मौजूद लोगों को लगा कि आर्यन को दौरा पड़ गया है, तो उसे देखने लोग दौड़कर उसके पास पहुंचे। तभी उन्हें पता चलता है कि आर्यन के गले से तो खून बह रहा है। खून देखते ही लोगों में डर की स्थिति बन गई। तुरंत मौके पर आर्यन के घर वालों को बुलाया गया, जिसके बाद परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद इलाके में जमकर बवाल हुआ। बवाल का कारण था हत्या का शक। परिजन और कुछ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि आर्यन की मौत धारदार हथियार से गला रेत कर की गई है। परिवार वालों ने कुछ लोगों के नाम भी लिए जिन पर उन्हें शक था। साथ ही मामले ने सोशल मीडिया पर भी जगह पाई, जहां ये खबर इस दावे के साथ शेयर की जा रही थी कि आर्यन का गला एक मुस्लिम ने रेत कर उसकी हत्या कर दी है। बवाल इतना बढ़ा कि मौके पर लोगों का हुजूम आ गया, जो पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा था। पुलिस को भी एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ी ताकि भीड़ को काबू में रखा जा सके। मामले ने और ज्यादा तूल तब पकड़ लिया जब 3 नवंबर रविवार को आर्यन का शव उसके घर पहुंचा। इसके बाद तो लोगों में और भी ज्यादा आक्रोश देखा गया। लोगों ने शव का अंतिम संस्कार करने तक से मना कर दिया। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार तनुज अवस्थी के मुताबिक इस वीडियो के शूट होने तक भी शव का दाह संस्कार नहीं किया गया है। परिजन पुलिस से हत्यारों पर एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। परिजन का कहना है कि जब तक हत्या का मामला दर्ज नहीं होता तब तक हम आर्यन का दाह संस्कार नहीं करेंगे। मौके पर कानपुर देहात के एडिशनल SP राजेश पांडे मौजूद हैं। उनके साथ इलाके के CO, 4 थानों की पुलिस फोर्स सहित PAC के जवान भी तैनात हैं। इन सबको मिलाकर लगभग 100 से 120 जवानों का पुलिस बल अभी भी स्थिति के नियंत्रण में लगा हुआ है। एडिशनल SP का कहना है कि परिजन ने जितने भी लोगों पर शक जताया है उन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद इस हत्या में किसी भी तरह के कोई धार्मिक एंगल होने से इनकार कर दिया। मामले के 2 मुख्य आरोपी हैं अंकित राठौर और जाहिद। पुलिस के मुताबिक अंकित राठौर सुतली बम में आग लगा रहा था, तो जाहिद नाम के लड़के ने उस पर कथित रूप से एक स्टील का ग्लास रख दिया ताकि पटाखा ज्यादा आवाज करे, जिसके बाद पटाखे के साथ साथ वो स्टील का ग्लास भी फट गया और इसी के साथ आर्यन भी जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने और क्या क्या बताया, कानपुर देहात के SP BBGTS मूर्ति से सुनिए। देखिए, आप सभी को विदित है कि थाना रूरा क्षेत्र अंतर्गत गांव सिठमरा में एक 10 साल का बच्चा आर्यन पुत्र अनिल चक्रवर्ती को गले में दरदर वस्तु से चोट लगकर मृत्यु होने की बात प्रकाश में आई है। तुरंत मैं DM महोदय, बाकी अन्य सक्षम अधिकारी और बाकी अन्य विभाग मौका मुआयना किया है।
जितने भी लोगों के ऊपर परिवार ने शक जताया है सबको हमने हिरासत में लिया है और कड़ी पूछताछ की जा रही है। अभी तक जांच में जो बात प्रकाश में आई है प्रथम दृष्टया ये है कि सिटमरा गांव में मोहल्ले में कुछ बच्चे आज दोपहर को पटाखे छोड़ रहे थे, उसी समय में एक अंकित राठौड़ नामक बच्चा जो है एक सुतली बम को आग लगा रहा था। उसमें ज़्यादा आवाज़ आने के लिए जाहिद नामक एक और बच्चा ने उसके ऊपर एक ग्लास लगाया। जब बम फटी थी तो ग्लास भी फटी और उसी समय पे वहाँ नज़दीक जो आर्यन है वो गिर गया था। पहले इन लोगों ने सोचा कि उसको दौरा आया है, लेकिन जब उनको देखा गया गले से खून निकल रही थी। इस बात जब सामने आई है तुरंत उनके परिवार वालों ने उनको चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल लेकर गया, जहाँ पर उनकी मतलब उनको मृत घोषित किया गया है। फिलहाल फोरेंसिक यूनिट ने मौका मुआयना के दौरान घटनास्थल से ग्लास के कुछ टुकड़े मतलब रिकवर किए हैं और उनको जांच के लिए फोरेंसिक के लिए बेचा जा रहा है। इसके अलावा जो भी विषय परिवार ने हमारे सामने ले आए हैं उन सबको गहराई से और गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है। बॉडी की जो पोस्टमार्टम है वो वीडियो पैनल गठित करके कराए जा रही है। जो भी विषय सामने आएंगे पीएम के आधार पर, परिवार के तहरीर के आधार पर और बाकी जांच के आधार पर विवेचना प्रचलित होगी। जांच टीम ने घटना स्थल से स्टील के कुछ टुकड़े इकट्ठे किए हैं जो कथित रूप से उसी ग्लास के हैं जिसके लगने से आर्यन की मौत हुई थी। अब उनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इसके बाद अंकित और जाहिद को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अंकित ने इस मामले पर क्या बयान दिया है वो भी आपको सुनवाते हैं। ठीक है, बताओ अंकित क्या हुआ? जाहिद ने गिलास रखा, जाहिद ने गिलास रखा, हमने आग जलाई, मतलब पटाखे में सीखो था उसमें आग जलाई, आग जब जलाई तो मतलब गिलास लड़का जिसकी दूर खड़ा था वो अचानक से गिरा, मतलब पटाखा जूता गिलास गायब हो गया, कहूँ गिर गया होगा दूर, पटाखा जूता गिलास गायब हो गया, लड़का गिर गया तो हम लोग मतलब पटाखा छूट गया, वो भी देख रहे थे खुशी मना रहे थे पटाखा छूट गया लड़का एकदम गिरा तो हम लोग उसको देखने चले गए, तो हमने सोचा दौड़ा आगे तो हम वही देखने लगे दौड़ा, तो दौड़े में उसके मुझे जब खून आ गया तब हमने डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए सर जी। पुलिस जहां घटना के लिए पटाखे को जिम्मेदार मान रही है वहीं परिजन इससे इनकार कर रहे हैं। मृतक के पिता का कहना है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। इन्होंने देता किसके ऊपर आरोप है? अब कार्रवाई चल रही है, जो गुनाहगार होगा पकड़ा जाएगा। किसी के ऊपर आरोप है? आरोप तो है। किसके ऊपर है? मंसूरी मार्केट में हुआ था ये सब, और एक लोग एक पालो का भी सुना है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी कार्रवाई कुछ नहीं हो पाई। क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे थे इंसाफ हो जाए लेकिन कुछ नहीं हो पाया। वहीं मृतक की बड़ी बहन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है, साथ ही भाई की हत्या की बात भी कही है। तड़पा तड़पा के मारा, हम चाहते उन तीनों को भी वैसे तड़पा तड़पा के मारा जाए, बस मेरे भाई को कुछ मिला के न्याय मिलना चाहिए। अभी तक 24 घंटे हो रहे हैं, धीरे धीरे कोई कार्रवाई नहीं है। अरेस्टिंग हुई है? जी हुई है अरेस्टिंग, अभी कुछ उगला भी नहीं। कैसी अरेस्टिंग हुई है ये? किसी ने कुछ नहीं उगला है। मोबाइलों में यही चल रहा है कि बच्चा का कत्ल नहीं हुआ है। उसका पटाखा से खुद मरा है। पटाखा छुड़ा रहा मेरा भाई, वो वहाँ पे स्टील के गिलास से किसी का गला कटता है, बताइए। मृतक आर्यन की बड़ी माँ ने तो पुलिस की पटाखा वाली थ्योरी से साफ इनकार ही कर दिया है। वो मामले में हत्या होने का ही दावा कर रही है। मेरा बेटा गया था बाजार, ठीक है कल के दिन पूरे सुबह से वो हमारे घर में दुकान करते हैं, बच्चे हमारे साथ में गए, वो खेलने कूदने लगे, वहाँ जाके मेरे बच्चे को उधर ले जाके उसका गला काटा। मेरा बच्चा ना कुछ हाथ में पटाखा लिए था ना कोई गिलास लिए था, लेकिन मोबाइल में यही आ रहा है कि उसका पटाखे से मर्डर हुआ, पटाखे से मरा। लेकिन नहीं, जो गुनहगार है जिसने मेरे बच्चे का कत्ल किया है उसका नाम डालो आप। किन लोगों के ऊपर आपका आरोप है? वो क्या बोल, विकास पाल पप्पू कबाड़ी के लड़का मुसलमान, वहीं पे उनके मार्केट में हुआ मेरे बच्चे का कत्ल, और वहाँ बहुत लोग थे देखने वाले, लेकिन किसी ने नहीं बताया मेरे बच्चे को किसने मारा, लेकिन इन लोगों ने धमकी दी। हाँ। मेरी बच्चे की माँ को धमकी दी कि हम आपको त्योहार नहीं करने देंगे। किसने धमकी दी थी? विकास पाल ने,
किस बात के लिए? कोई पुरानी रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं थी मेरी, बस ऐसे दारू पीते गाली देते, यहीं पे मेरा मकान है, उसका भी यही मकान है, बस गाली देते हम लोगों को सबको, हम छोड़ेंगे नहीं, हम देखो क्या करते हैं, त्योहार नहीं करने देंगे, मेरे बच्चे को क्यों मारा, मेरा बच्चा छोटा था, उसने क्या बिगाड़ा इनका। इस घटना के लिए पुलिस से जब आप लोगों ने बात करी है, मामला पुलिस तक पहुंचा तो क्या उधर से सामने आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। एप्लीकेशन क्या दिया आपने? एप्लीकेशन यही दिया जो हमने नाम लिख के बताया आपको, यही एप्लीकेशन दिया। एफआईआर दर्ज हुई? हाँ हुई। पुलिस की तरफ से क्या अभी कार्रवाई किया? अभी तो सर हमको नहीं मालूम है, कोई कार्रवाई नहीं। आप क्या कह रहे हैं? बस हमको ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, जो हमको न्याय मिले, मेरे बच्चे का जो गुनहगार है उसको सजा मिले, ठीक है? आज तुम सजा भी मिलेगी सर उसको, ठीक है? वो दो चार छह महीने साल भर में छूट आएगा, फिर मेरे बच्चे छोटे छोटे उसका फिर मर्डर करेगा, तो हम ये नहीं चाहते, मेरे बच्चों को और हमको सुकून से जीने दे। इस वीडियो के शूट होने तक आर्यन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, जब वो आएगी तो और भी चीजें स्पष्ट होंगी। इस दौरान प्रशासन के अफसर भी विरोध प्रदर्शन में व्यवस्था बनाने के लिए लगे हुए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर गांव में एएसपी समेत कई थानों के फोर्स अभी भी तैनात हैं। एडीएम एसडीएम सहित बड़ी संख्या में अफसर निगरानी में लगे हैं। अब देखना यह है कि जांच पूरी होने के बाद क्या असलियत सामने आती है। स्टील के ग्लास और पटाखे से हुई मौत वाली थ्योरी सही साबित होती है या हत्या वाले आरोप सच निकलते हैं? अभी तो मामले की सिर्फ शुरुआती जांच हुई है, पूरी जांच होनी अभी बाकी है। इसमें और भी पहलू सामने आने की संभावना है। अभी सबूत इकट्ठे होंगे, उन सबूतों की जांच होगी, गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। तमाम बातें जब अदालत में सिद्ध होंगी तभी कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा। इस वीडियो के शूट होने तक जो जानकारियां सामने आई थी वो हमने आप तक पहुंचा दी हैं। बाकी आगे भी इस मामले में जो अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। इस खबर के लिए स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी शुभम ने, साथ ही इसके लिए इनपुट्स दिए हैं इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार तनुज अवस्थी ने। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथी अमित, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।